हेलो एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री के अपने सीरीज को जो है कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो तक जो हमने 5 पार्ट अपलोड किए हैं उसमें हमने तकरीबन 22 क्वेश्चन जो है वो करवा लिए हैं। तो आज जो है हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एक क्वेश्चन हमारे पास है जो कि RRB 2018 में पूछा गया है, अंडर रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा। RRB में 2018 में पूछा गया है, हमारे पास कुछ ऑप्शन भी दिए हैं। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है और ऑप्शन जो है वो 1 दिया गया है। देखिए अंडर रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो हमें cos 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या कर सकते हैं हम, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और हम जानते हैं tan थीटा जो है वो कब होगा 1/√3 के बराबर, जब tan कितना होगा 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो cos है 2 थीटा, ये जो थीटा की वैल्यू होगी वो हम कितनी पुट कर सकते हैं 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा cos 2 × 30 डिग्री जो कि होगा cos 60 डिग्री। और हम पढ़े हैं cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 1/2 होगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम थीटा की वैल्यू 30 निकालते हैं तो cos थीटा नहीं लिख देना, यहाँ पर दिया गया है cos 2 थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। और cos थीटा 30 डिग्री कितना होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 1/2 होगा। चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 24 है। RRB ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है, tan थीटा की वैल्यू दी गई है 1/5 और हमें cosec स्क्वायर थीटा, हमें क्या फाइंड आउट करना है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब बोलिए cosec स्क्वायर थीटा का हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, 1/cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा कितना होता है 1+tan स्क्वायर थीटा। ये कोई फार्मूले जो है हमने लिखे हुए थे, तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1+cot² θ - 1 - tan² θ। ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा तो हमें क्या मिलेगा, cot² θ - tan² θ। हम यहाँ पर जो है इसे मिटा देते हैं, बस याद रख लेना कि ये हमें मिलता है। हम tan थीटा को जो है यहाँ पर दिया गया tan थीटा 1/√5 है। हम इसे अगर x जो है वो पुट करते हैं तो बोलिए cot थीटा क्या होगा, 1/x होगा, 1/x होगा यानी कि √5 होगा। यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा यानी कि हम इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं। x स्क्वायर क्या करना होगा, 1/5 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे और 1/x स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। cot स्क्वायर थीटा को अगर हमने क्या यहाँ पर पुट किया, यहाँ पर लिखेंगे पुट cot एंड tan थीटा, ठीक है। तो cot स्क्वायर थीटा को अगर हम पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, 1/x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। हम जानते हैं 1/x का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5 के बराबर, और x का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1/5 के बराबर। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 × 25 माइनस 1/5, तो हमारा आंसर कितना होगा, 24/5 जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो हमने क्या किया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा लिया। हमने यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा की जगह फार्मूला यूज किया 1+cot स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा की जगह 1+tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर। फिर हमने इसे एक्सपेंड किया और हमें एक्सपेंड करने के बाद हमें क्या मिला, cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने cot थीटा को और tan थीटा का पुट किया, tan थीटा को कितना पुट किया 1x और cot थीटा को 1/x पुट किया। x की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई थी 1/√5, दोनों को कंपेयर किया और दोनों का स्क्वायर किया। जब स्क्वायर किया तो हमें क्या मिल गया, x स्क्वायर 1/5 और 1/x² 5 मिल गया। इसे जस्ट यहाँ पर वैल्यू को पुट किया और हमने इसे सॉल्व किया, हमारा जो आंसर मिल गया 24/5 मिला। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो है 24 तक कम्प्लीट हुए। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा।
हमारे पास ये यहाँ पर जो है इसमें भी चार ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। ए दिया गया है, वन दिया गया है, 1.5 दिया गया है, हमारे पास 1.25 दिया गया है, हमारे पास नन ऑफ दिस दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसा ही क्वेश्चन हमने जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा जब भी कोई वैल्यू दी गई होगी, सपोज पी दिया गया है, या तो इसमें कोसेक थीटा निकालने के लिए पूछा गया होगा या तो कॉट थीटा निकालने के लिए पूछा गया होगा। इससे पहले जो हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था उसमें कॉट थीटा जो है वो निकालने के लिए पूछा गया है, और यहाँ पर जो हमें पूछा गया है वो क्या निकालना है, हमें कोसेक थीटा। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक जो है वो ऑलरेडी लिखाई है। जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा आप बहुत जल्द क्वेश्चन कर सकते हो। पी प्लस वन अपॉन पी अपॉन टू, बस ये फार्मूला जो है वो आपको यूज करना है यहाँ पर। और आप जानते हैं जो यहाँ पर जो पी है, इस पी की वैल्यू क्या है, यही जो दिया गया है 5। तो ये 5 + 1/5 होगा डिवाइडेड बाई 2 होगा, इसे हम कर सकते हैं 5 × 25 + 1 = 26/10, जो कि किसके बराबर होगा 2.6। तो आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। तो आई होप आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 तक जो हमने कंप्लीट किए, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ये क्वेश्चन भी जो है ग्रुप बी 2018 में पूछा गया है। 1 / 1 + sin θ + 1 − sin θ, हमें यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। और हमारे पास कुछ ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 2 sec² θ, 1 2 cos 2 θ और 0। तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, ये ऐसे क्वेश्चन में हमने यहाँ पर 1 + sin θ, यहाँ पर 1 + −sin θ है, तो एलसीएम का मेथड जो है वो यहाँ पर यूज होगा। और हम इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास जो है क्या होगा, 1 का स्क्वायर a + b - b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर - sin²θ। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर आ जाएगा 1 − sin θ और यहाँ पर आ जाएगा 1 + sin θ। sin θ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 / 1 − sin²θ। अब 1 − sin²θ जो होता है इसकी वैल्यू हम किसके बराबर होती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक फार्मूला हमने पढ़ा था, वो क्या था कि sin²θ + cos²θ जो होता है 1 के बराबर होता है, और sin²θ - 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, cos²θ के बराबर होगा। ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 − sin²θ = cos²θ। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2 / cos²θ, और 2 / cos²θ किसके बराबर होगा, 2 sec²θ। आपका आंसर जो होगा ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन भी जो है ग्रुप डी 2018 में जो है वो पूछा गया है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है cot x = 5/12 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x - sec x। ये क्वेश्चन जो है RRB 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया है। चार ऑप्शन जो है वो हमारे पास दिए गए हैं, 229/65, ऑप्शन बी 229/63, ऑप्शन सी 109/65 एंड ऑप्शन डी −109/65। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए कॉट एक्स की वैल्यू जो है 5/12 दी गई है, और हम क्या जानते हैं जो कॉट एक्स होता है 5/12 दी गई है, ये किसके बराबर होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो बेस, इसे बेस मानेंगे, इसे परपेंडिकुलर मानेंगे और इसे हाइपोटेन्यूज मानेंगे। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो हमारी जो बेस होगी, बेस जो होगी परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज, ये तीन चीजें होती है। हमने ट्रिपलेट पढ़े थे, एक ट्रिपलेट पढ़ी थी हमने 5 की, 12 की और 13 की। यहाँ पर दो साइडें 5 और 12 दी गई है, मतलब एक बेस 5 दी गई है, परपेंडिकुलर 12 दिया गया है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 13 होगा। ये ट्रिपलेट जो है आपको लिखाई भी गई है। तो यहाँ से हम जो है वो sin x की वैल्यू जो है वो माइनस
sec x की वैल्यू जो है वो उसमें पुट कर देंगे तो आंसर निकालेंगे। sin x कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू लिख लीजिए। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 12 है अपॉन 13 है, माइनस sec x, sec x जो होता है इसका जस्ट रिवर्स होता है, 13 अपॉन जो होगा वो 12 होगा। तो आप एक बात देख सकते हो, ये वैल्यू जो है ये बड़ी है, जो 12 है ये छोटा है, 13 जो है वो बड़ा है, मतलब आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है जिसमें आंसर जो है वो नेगेटिव में है, तो यही आपका आंसर होगा। तो आगे जो है पूरा करना चाहो तो कर सकते हैं, बट यही आपका आंसर होगा। हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, तो वो हर कोई कॉन्सेप्ट जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप ये आपको क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जामिनेशन में आया है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा। ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ, ऑप्शन दिए गए हमारे पास, पहला ऑप्शन 1 है, ऑप्शन बी जो है 3/4 है, ऑप्शन सी जो है 1/4 है, ऑप्शन डी जो है 1/2 है। देखिए हमने फार्मूला एक पढ़ा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो यहाँ पर दिया गया वो कितना है, 0 दिया गया है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो सारे पढ़ चुके हैं और हम एंगल भी उनके जान चुके हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, कॉस थीटा, वैल्यू इधर चली जाएगी 0 के इधर, इक्वल टू के इधर। तो आप बोलो साइन थीटा जो कॉस थीटा है वो कब जो है वो इक्वल होते हैं, और हमने ये अच्छे तरीके से पढ़ा, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है तो दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। तो मतलब साइन रेस्ट पर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा जो होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री होगा, 1/2 होगा, इसके ऊपर होल रूट 4 होगा, प्लस 1/√2 होगा, होल रूट 4 होगा। तो क्या होगा, 1/√2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2:2, ठीक है। चलो लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4, क्लियर है। तो इधर हम एलसीएम निकालेंगे, अगर इसका 4 होगा या 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1/2 होगा। ये क्वेश्चन भी पुराने एग्जामिनेशन से लिया गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलेंगे एक और क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30, आई होप 30 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी में पूछा गया है और एसएससी दोनों एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट होगा इसमें। साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69 जो है ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन जो है 2 sin² 31 दिया गया है, ऑप्शन भी लिख लेते हैं, 2 sin² 21, ऑप्शन डी 1 होगा, ऑप्शन सी जो होगा 2 sin² 69 एंड ऑप्शन डी जो है वो 0 दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है दो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देखिए हम पढ़े थे साइन ए माइनस बी, या तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये वाले फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज होगा। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर, ऐसी चीजें जो ये वाले फार्मूले शायद लिखाया भी है मैंने आपको। तो यहाँ पर देखिए ये 21 और ये 69 है, तो क्या हम इस 21 को ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 69, क्या ये 21 होगा, बिल्कुल होगा 21, 90 माइनस 69 जो है 21 होगा, और ये जो है ऑलरेडी 69 दिया है। तो साइन एम साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 69 होगा और ये साइन स्क्वायर 69 होगा, और हम पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, वो 1 होगी। तो आपका आंसर जो होगा वो 1 होगा, तो 1 ऑप्शन भी दिया गया है। इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे जो है मोर क्वेश्चन जो है हर टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, चाहे बेसिक क्वेश्चन है उसे भी करेंगे, और एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है, उन्हें भी करेंगे, ठीक है। कुछ भी चीज़ जो है वो छोड़ने वाले नहीं है, 200 क्वेश्चन जो है इस ट्रिग्नोमेट्री पे करने वाले हम। आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स जो है इसके इस चैप्टर के सरों के मिलने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है
लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा किसी के भी रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं, हम उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।